उनके रिटायर होने के बाद एकदम इंडिया की टीम, मतलब इंडोर में आउटडोर में उनको सब अनुभव हो जाए, वो थोड़े हैबिचुअल हो जाए, झंझक नहीं रहे उनके दिल में, तो इनका ज़रूरी है उनको मतलब एक्सपीरियंस। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि रचिन आजकल जीरो है, ये कितनी देर में आपको लगता है कि उठेगी, या उठेगी या नहीं उठेगी? ये अगर उन आदमियों के पास हमने पहुंचना है तो उनके पास तो कम से कम हमको मतलब आगे 4 ओलंपिक, अगर हम ऐसे ही कैंप लगाए रहें 16, कहने का मतलब 16 साल तक, तो हम कुछ मतलब ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकते हैं। इतने जल्दी नहीं, एक बार 4 साल ही हम कैंप लगा के उनको पकड़ लें जो मतलब बहुत दिन पहले से ही मतलब इस प्रैक्टिस पर चले हुए हैं। पकड़ सकते हैं क्या? एक आदमी बम्बई बैठा होगा और एक दिल्ली रंग, दोनों को दौड़ा दिया जाएगा कि आप पकड़िए उनको। पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। हाँ, अगर ऐसा है, अगर हम भी उनकी रफ्तार से, हमने थोड़ी अपनी रफ्तार बता देनी चाहिए, वो अगर वो 50 की रफ्तार से दौड़ते हैं तो हम तो 80 रफ्तार से दौड़ेंगे, तो शायद हम उनको कवर कर दें। ताकत में कम नहीं है, स्टेमिने में कम नहीं है, टेक्निक में और स्पीड में कम है हमारे पास। और टेक्निक और स्पीड जब ही हो सकती है जब हम मैट पर उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, कंडीशनिंग हॉल होगा, खेलने के लिए ग्राउंड होंगे, और सबसे पहले उनका वजीफे बांधे जाएं पहलवानों के, उनकी डाइट का ध्यान रखा जाए। डाइट भी बड़ी ज़रूरी है पहलवान के। अगर आप देखिए, आप टैलेंट बॉय का आप देखिए सकीम, अगर ये बच्चे मतलब टैलेंट बॉय हो जाते हैं तो साहिवाल ने कुछ स्कीम चला रखी है कि उनको भाई पब्लिक स्कूलों में एडमिशन दिलवा दिया जाए, उनसे कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ाई के बोझ से दब जाएंगे वो बच्चे, वो लोग अंग्रेजी बोलेंगे, उनकी समझ में नहीं आएगा क्या अबुआ बोल रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता, हम नहीं समझ सकते इंग्लिश को, बच्चे क्या समझेंगे। जो आदमी 5वीं 6वीं 7वीं तक गया है और देहात के स्कूलों में पढ़ा है तो वो क्या अंग्रेजी समझेगा, या अंदाज़ा लगाओ। पहलवानी उपजेगी अखाड़ों से निकलेगी, अखाड़ों का लड़का गोल्ड मेडल लाएगा। अगर ये साई ने जो स्कीम चलाई है ये कभी नहीं हो सकता। हाँ ऐसा है, हम तो एक स्कीम है, उस लड़के का वजीफा बांध दिया जाए, जो टैलेंट बॉय में 5वीं और 6वीं पोजीशन तक आता है ना, उन लड़कियों का वजीफा बांध दिया जाए और उनको मतलब गवर्नमेंट सहायता दे खाने पीने के लिए, उनको स्कूलों के यहाँ मतलब नज़दीक के जो उनके स्कूल हैं उन उनका एडमिशन हो जाए, वो पढ़ते ना। पर ये माँ बाप इतना बोझ सहन नहीं कर सकता बच्चे का। दूसरा दूसरा वीडियो भाई, वो ब्रू दे दे ब्रू, एक आधा है उसके बाद माल्टे रखा, माल्टा वो आप ब्राउन मीठा, हाँ वो दे दे, ये क्या, हाँ हाँ अरे अरे।